माया नगरी मुंबई, जहाँ की गलियारों में बसती है फिल्मी सितारों की रंगीन दुनिया। ये वही फिल्मी सितारे हैं जो अपनी लाजवाब अदाकारी से नेम, फेम और बेशुमार दौलत तो कमाते ही है, इसके साथ ही अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों के दिल पर राज भी करते हैं। हालांकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी और इनसे जुड़ी अफवाहों का तो हमेशा से ही चोली दामन का नाता रहा है, जिसकी वजह से उनके अफेयर्स और शादियों के किस्से भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे सेलिब्रिटीज से मिलवाने वाले हैं जिन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि शादी आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो कौन से है बॉलीवुड के वो 10 सेलिब्रिटीज जिन्होंने शादी नहीं की है, इसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नंबर 10, सलमान खान। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान के साथ, जिन्होंने अभी तक शादी के लड्डू का टेस्ट नहीं चखा है। यही वजह है कि सलमान आज भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक है। हालांकि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अपने फिल्मी करियर के दौरान सलमान खान का नाम कई नामचीन एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ता रहा है, जिनमें संगीता बिजलानी से लेकर ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ तक कई एक्ट्रेसेस के नाम शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान ने इन एक्ट्रेसेस के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है और भाईजान आज भी सिंगल है। नंबर 9, सुष्मिता सेन। साल 1994 में मिस यूनिवर्स की ताज पर कब्जा जमाने वाली सुष्मिता सेन बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेसेस में से एक रही है। इनकी स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने समय में सुष्मिता की गिनती बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक के रूप में की जाती थी। सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में न सिर्फ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया बल्कि नाम और शोहरत भी कमाया, लेकिन इसके साथ साथ इनके अफेयर के चर्चे भी कई जाने माने हस्तियों के साथ जुड़ते रहे। लेकिन अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाली सुष्मिता ने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि सुष्मिता सेन आज तक भले ही शादी के बंधन में नहीं बंध पाई, लेकिन उन्होंने एक माँ होने के अनुभव से खुद को डिप्राइव नहीं होने दिया। यही वजह है कि साल 2000 में उन्होंने रेनी नामक बच्चे को गोद लिया और उसके कुछ समय बाद यानी साल 2010 में उन्होंने अलीसा नाम की दूसरी बच्ची को भी गोद लिया। सुष्मिता ने इन दोनों बच्चियों को न सिर्फ एक बेहतरीन परवरिश दी बल्कि सिंगल मॉम होने की मिसाल भी कायम की। नंबर 8, करण जौहर। फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि इनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे फेमस फिल्म डायरेक्टर के रूप में की जाती है, जिन्होंने ऑडियंस के लिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। हालांकि करण जौहर बॉलीवुड के एक जाने माने परिवार से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के लिए इनका पर्सनल लाइफ तब तक एक सीक्रेट बना रहा जब तक कि ये अपनी बायोग्राफी के साथ बाहर नहीं आए, जहां इन्होंने कई चीजों के बारे में खुलकर बात की। फिल्मी खबरों की माने तो करण जौहर गे होने और अपने रिश्तों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी फिल्म ए दिल मुश्किल को उनके पर्सनल लाइफ पर आधारित बताया गया था। हालांकि करण ने उन खबरों की ना तो कभी पुष्टि की और ना ही कभी खंडन किया, लेकिन एक तरफा प्यार की बात कहने वाले करण असल जिंदगी में आज भी कुंवारे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शादी नहीं करने के बावजूद भी ये सरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता बने हैं और उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का नाम यश और रूही रखा है। नंबर 7, नगमा। बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली नगमा एक मशहूर एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है। यही वजह है कि 90 के दशक में हर तरफ नगमा का ही बोलबाला हुआ करता था। कई फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय का छाप छोड़ने वाली नगमा जहां अपने एक्टिंग को लेकर अक्सर खबरों में छाई रहती है, तो वही इनकी अफेयर के चर्चे भी कुछ कम नहीं हुआ करते थे। इनकी अफेयर की लिस्ट में सबसे पहले अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली की, तो सौरव की शादी के 2 साल बाद यानी कि 1999 में ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में काफी बवाल भी मचा था। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गई और फिर इसके बाद भी नगमा का नाम कई जानी मानी हस्तियों के साथ जुड़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी नगमा ने अपनी अभी तक के जीवन में शादी नहीं की। नंबर 6, तुषार कपूर। एक स्टार किड होने और करीना कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है फिल्म में एक ड्रीम लॉन्च होने के बावजूद भी तुषार कपूर फिल्मी दुनिया में कुछ खास करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इस फिल्म के बाद तुषार ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने पिता जितेंद्र और अपनी बहन एकता कपूर की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। हालांकि तुषार के फिल्मी करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ इनके अफेयर के चर्चे तो काफी आम रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज तक शादी करने में
नाकाम रहे, जिसके बाद तुषार ने बिना शादी किए ही सिंगल पेरेंट बनने का फैसला किया और आज की तारीख में इस सरोगेसी से पैदा हुए अपने बेटे लक्ष्य कपूर के पिता है। नंबर 5, अमीषा पटेल। अपनी पहली सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है से ही ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाली अमीषा पटेल ने अपनी फिल्मी करियर में नाम और शोहरत तो जरूर अर्न किया, लेकिन आज तक इन्होंने शादी नहीं की। हालांकि कहो ना प्यार है फिल्म के बाद अमीषा ने कदर के साथ साथ कई दूसरी फिल्मों में भी अपने अभिनय के जलवा तो जरूर बिखेरा, लेकिन इसके साथ ही इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज के साथ इनके नाम भी जुड़ते चले गए, जिनमें फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट का नाम सबसे पहले आता है। विक्रम से अमीषा की पहली मुलाकात फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर हुई थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गए और फिर अमीषा का नाम लंदन के बिजनेसमैन कानव पुरी के साथ भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान तो इन दोनों की शादी की खबरों से अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका था, लेकिन अमीषा ने ऐसी सभी खबरों को एक झटके में ही खारिज कर दिया, जिसके बाद अमीषा ने आज तक शादी नहीं की। नंबर 4, साजिद खान। हाउसफुल, हे बेबी और हाउसफुल 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों से ऑडियंस को गुदगुदाने वाले फिल्म डायरेक्टर साजिद खान का नाम बॉलीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। हालांकि एक तरफ जहां साजिद ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्म को बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर के किस्से भी सरेआम है, जिनमें गौहर खान, तमन्ना भाटिया और जैकलीन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेसेस के नाम शुमार है। इतना ही नहीं, एक समय में तो यहाँ तक अफवाह उड़ गई थी कि गौहर और साजिद ने सगाई कर ली है, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही बाजार में एक खबर भी आ गई कि किसी कारणवश दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी है। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी और उन्होंने अपनी सगाई क्यों तोड़ी, इसका कारण तो इन दोनों को ही बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर फरमाए तो साजिद खान अभी तक दूल्हे की घोड़ी पर चढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और ये आज भी बैचलर की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, तबू। बॉलीवुड की सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाली तब्बू ने न सिर्फ कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया है, बल्कि ऑडियंस को भी अपना दीवाना बनाया है। हालांकि हमने इस एक्ट्रेस को कई फिल्मों में ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी तब्बू के रोमांस की खबरें अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। कभी इनका नाम फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ जोड़ा गया, तो कभी साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी इनकी रिलेशनशिप के चर्चे आम रहे। लेकिन समय के साथ साथ इन सारे रिश्तों की डोर भी टूटते चले गए और आखिरकार तब्बू अपने जीवन में अकेली की अकेली ही रह गई। यही वजह है कि अपनी आज तक के जीवन में तब्बू शादी के पवित्र बंधन में नहीं बंध पाई। नंबर 2, संजय लीला भंसाली। ये नाम बॉलीवुड के उस फिल्म डायरेक्टर का है जिसे फिल्मों के जरिए एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियों को फिल्मी पर्दे पर जादू बिखेरते हुए देखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। यही वजह है कि इन्हें न सिर्फ अपने बेहतरीन काम के लिए सराहा जाता है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी इनके लिए एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है। लेकिन आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि हम दिल दे चुके सनम, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले भंसाली अपने लिए लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में भी ये अनमैरिड है। नंबर 1, लता मंगेशकर। अब हम बात करते हैं उस महान शख्सियत के बारे में जिसे हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अपनी फिल्मी सफर में इन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए हैं, जो आज भी हमारे कानों में एक मधुर रस सा घोल देता है। यही वजह है कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं करने के पीछे का कारण बताते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये महज 13 साल की थी तभी इनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर आ गई थी। यही कारण है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इनके जीवन में खुद शादी करना बाकी रह गया और आखिरकार 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब